गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 के चैप्टर अध्याय 3 समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में देखा कि शीत युद्ध खत्म होने के पश्चात विश्व में सिर्फ एक ही महाशक्ति बच जाती है, अमेरिका। तो अब अमेरिका का पूरा विश्व के ऊपर वर्चस्व हो जाता है, जिसे हम हेजेमनी भी कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक अमेरिका द्वारा नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत से। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध का अंत हो गया और अमेरिकी वर्चस्व की स्थापना के साथ विश्व राजनीति का स्वरूप एक ध्रुवीय हो गया। अर्थात पहले विश्व जो दो ध्रुवीय था, अब विश्व एक ध्रुवीय हो गया। अगस्त 1990 में इराक ने अपने पड़ोसी देश कुवैत पर कब्जा कर लिया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस विवाद के समाधान के लिए अमेरिका को इराक के विरुद्ध सैन्य बल के प्रयोग की अनुमति दे दी। संयुक्त राष्ट्र संघ का यह नाटकीय फैसला था। अमेरिका राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसे नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत। अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत 1991 में हुई, जब एक ताकत के रूप में सोवियत संघ अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से गायब हो गया। इस स्थिति में अमेरिकी वर्चस्व सर्वव्यापी मान्य हो गया, अन्यथा अमेरिकी वर्चस्व 1945 से ही अंतर्राष्ट्रीय पटल पर विद्यमान था। अर्थात कि 1991 के बाद पूरे विश्व में अब अमेरिका का ही वर्चस्व होने लगा। प्रथम खाड़ी युद्ध। अमेरिका के नेतृत्व में 34 देशों की मिलीजुली और 66 लाख सैनिकों की भारी भरकम फौज ने इराक के विरुद्ध मोर्चा खोला और उसे परास्त कर दिया। इसे प्रथम खाड़ी युद्ध कहा जाता है। खाड़ी किसे कहते हैं? खाड़ी आप कह सकते हो इंग्लिश में बे को। जो देश समुद्र किनारे बसे होते हैं या फिर एक ऐसा समुद्र का एरिया जो तीन तरफ से भूमि से घिरा हो और एक तरफ से पानी से, तो उसे खाड़ी कहा जाता है। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। तो खाड़ी देशों में आपको पता होना चाहिए कुछ देश आते हैं, जैसे आपके सऊदी अरब, यमन, ओमान, इराक। अब हम बात करते हैं ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म पर। 1990 के अगस्त में इराक ने कुवैत पर हमला किया और बड़ी तेजी से उस पर कब्जा जमा लिया। इराक को समझाने बुझाने की तमाम राजनीतिक कोशिशें जब नाकाम रही तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे दी। संयुक्त राष्ट्र संघ के सैन्य अभियान को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा जाता है। एक अमेरिकी जर्नल जैक शॉव इस सैन्य अभियान के प्रमुख थे और 34 देशों की इस मिलीजुली सेना में 75% सैनिक अमेरिका के ही थे। हालांकि इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन का ऐलान था कि यह 100 जंगों की एक जंग साबित होगा, लेकिन इराकी सेना जल्दी ही हार गई और उसे कुवैत से हटाने पर मजबूर होना पड़ा। कंप्यूटर युद्ध। खाड़ी युद्ध के दौरान अमेरिका की सैन्य क्षमता अन्य देशों की तुलना में कहीं अधिक थी। प्रौद्योगिकी के मामले में अमेरिका अन्य देशों से काफ़ी आगे निकल गया। बड़े विज्ञापनी अंदाज में अमेरिका ने इस युद्ध में तथाकथित स्मार्ट बमों का प्रयोग किया। इसके चलते कुछ पर्यवेक्षकों ने इसे कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी। इस युद्ध की टेलीविजन पर व्यापक कवरेज हुई और यह एक वीडियो गेम वॉर में तब्दील हो गया। जॉर्ज बुश के बाद कौन राष्ट्रपति बने? तो प्रथम खाड़ी युद्ध के बाद 1992 में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुए। बिल क्लिंटन नए राष्ट्रपति बने और 1996 में द्वारा भी वही बने। इन्होंने घरेलू मामलों पर ज़्यादा ध्यान दिया, जैसे लोकतंत्र को बढ़ावा दिया, जलवायु परिवर्तन पर और व्यापार पर। 11 सितंबर की घटना। 11 सितंबर 2001 के दिन विभिन्न अरब देशों के 19 अपहरणकर्ताओं ने उड़ान भरने के चंद मिनटों बाद अमेरिकी व्यावसायिक विमानों पर कब्जा कर लिया। अपहरणकर्ता इन विमानों को अमेरिका की महत्वपूर्ण इमारतों की सीध में उड़ाकर ले गए। दो विमान न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी और दक्षिणी टावर से टकरा गए। तीसरा विमान वर्जीनिया के अर्लिंगटन स्थित पेंटागन से टकराया। पेंटागन में अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय है। चौथे विमान को अमेरिकी कांग्रेस की मुख्य इमारत से टकराना था, लेकिन वह पेंसिल्वेनिया के खेत में गिर गया। इस हमले को 9/11 कहा जाता है। तो 9/11 की घटना का परिणाम क्या हुआ? इस घटना से पूरा विश्व हिल गया। अमेरिकियों के लिए दिल दहलाने वाली घटना थी। इस हमले में लगभग 30,000 व्यक्ति मारे गए। 9/11 के जवाब अमेरिका ने फोर्स कदम उठाए और भयंकर कार्रवाई की। आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के अंग के रूप में अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग प्रीफ्रीडम चलाया। यह अभियान उन सभी के खिलाफ चला जिन पर 9/11 का शक था, और इस अभियान में मुख्य निशाना अलकायदा और अफगानिस्तान के तालिबान शासन को बनाया गया। इराक आक्रमण। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम 19 मार्च 2003 को अमेरिका द्वारा शुरू किया गया था और 40 से अधिक अन्य देशों द्वारा इसमें शामिल किया गया था। आक्रमण का उद्देश्य इराक को हथियारों के सामूहिक विनाश के विकास से रोकना था। जैसा कि WMD का कोई सबूत नहीं था, यह अनुमान लगाया जाता है कि आक्रमण अन्य उद्देश्यों जैसे कि इराकी तेल उत्पादन को नियंत्रण करने आदि से प्रेरित था।
इराक पर अमेरिकी आक्रमण सैन्य और राजनीतिक दोनों तरफ की विफलता थी, क्योंकि लगभग 3,000 अमेरिकी सैनिक कर्मी खो गए थे और इराकी हताहत हुए थे। अमेरिका इतना ताकतवर क्यों? इसके महाशक्ति होने के कारण क्या? तो बड़ी चढ़ी सैन्य शक्ति के कारण महाशक्ति बना इसकी सैन्य प्रौद्योगिकी। दुनिया के 12 ताकतवर देशों में से अकेला अमेरिका ही रक्षा बजट पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है। पेंटागन अपनी रक्षा बजट का सबसे बड़ा हिस्सा सैन्य तकनीक और अनुसंधान पर खर्च करता है। हथियार आधुनिक है तथा गुणात्मक रूप से दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति, वीटो पावर भी है। अमेरिका वर्चस्व की बनने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो अमेरिकी वर्चस्व को लगाम लगाने में तीन चीजें महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। संस्थागत बनावट। पहला, व्यवधान स्वयं अमेरिका की संस्थागत बनावट है। यहाँ शासन के तीन अंगों के बीच शक्ति का बंटवारा है और यही बनावट कार्यपालिका द्वारा सैन्य शक्ति के बेलगाम इस्तेमाल पर अंकुश लगाने का काम करती है। दूसरा, अमेरिकी समाज। अमेरिकी समाज जो अमेरिका के विदेशी सैन्य अभियानों पर अंकुश रखने में है, यह बड़ी बात कारगर भूमिका निभाती है। तीसरा, नाटो। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में सभी संगठन, कलाकार और बुद्धिजीवी मिलकर अमेरिका वर्चस्व का प्रतिकार करें। भारत, चीन, रूस साथ हो जाएं तो अमेरिकी वर्चस्व से बचा जा सकता है। कोई देश अपने आप को अमेरिकी नजर से छुपा ले, यदि राज्येतर संस्थाएं, एनजीओ, सामाजिक आंदोलन, मीडिया, जनता, बुद्धिजीवी, कलाकार, लेखक सभी मिलकर अमेरिकी वर्चस्व का प्रतिरोध करें। भारत अमेरिका संबंध। तो शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत द्वारा उदारीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति अपनाने के कारण महत्वपूर्ण हो गए। भारत अब अमेरिका की विदेश नीति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके प्रमुख लक्षण परिलक्षित हो रहे हैं। अमेरिका आज भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार। अमेरिका के विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों द्वारा भारत से संबंध प्रगाढ़ करने हेतु भारत की यात्रा। अमेरिका में बसे अनिवासी भारतीयों, खासकर सिलिकॉन वैली में प्रभाव। बराक ओबामा की 2015 की भारत यात्रा के दौरान रक्षा सौदों से संबंधित समझौतों का नवीकरण किया गया तथा कई क्षेत्रों में भारत को ऋण भी प्रदान किया गया। वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आउटसोर्सिंग संबंधी नीति से भारत व्यापारिक हित प्रभावित होने की संभावना है। वर्तमान में विभिन्न वैश्विक मंचों पर अमेरिकी राष्ट्रपति तथा भारतीय प्रधानमंत्री के बीच हुई मुलाकातों तथा वार्ताओं को दोनों देशों के मध्य राजनीतिक, सांस्कृतिक और सैन्य संबंधों के सुदृढ़ीकरण की दिशा में सकारात्मक संदर्भ के रूप में देखा जा सकता है।